हेलो भाई। तो गुड मॉर्निंग यार। आज मैं निकल रहा हूँ बरेली के लिए। बरेली मतलब रायबरेली एंड ये अपनी धनोतई यार। करीबन घर से निकल के सुबह 5:30 बजे निकला था और अभी और करीबन अभी हो रहे 6:15। रायबरेली से निकलने वाला हूँ कानपुर और आगे का ट्रिप आपको दिखाता हूँ। और अपनी धनु पूरी तरह से तैयार। सो भाई, रायबरेली से निकल के हम आ चुके हैं कानपुर। वेलकम टू कानपुर स्मार्ट सिटी। और ये नदी है बगल में, गंगा जी बह रही है यहाँ पे और हमें जाना है आगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई। तो ये भाई देखो, गंगा जी का पानी है कानपुर में। ये एक्चुअली कंट्रोल वाटर है, यहाँ पे कंट्रोल होके आ रहा है। इस तरफ काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है पानी और यहाँ से कंट्रोलर बना हुआ, कंट्रोल होके पानी फिर इधर निकल के आ रहा है। हिसाब से यहाँ पे लोग खेती वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है देखो। और अपनी ये धनो चलते हैं आगे, खूबसूरत रास्ते। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज मैं हूँ फ़िलहाल कानपुर में। और कानपुर में मैं यहाँ पे करीबन 26 तारीख को आ गया था। तो 26 तारीख से अभी तक यहीं पे हूँ, बुआ के घर पे। फ़िलहाल ऐसे ही निकला थोड़ा सा गांव वगैरह डिस्कवर करने के लिए। पे हर जगह पे जहाँ भी देख पा रहा हूँ ना, मैक्सिमम गेहूँ की खेती है और फसल तैयार है भाई पूरी की पूरी, जहाँ भी देख रहा हूँ। और आगे का भाई, आगे कहाँ जाएंगे, क्या करने वाले, अभी कुछ कन्फर्म है नहीं। और फूफा जी भी जो है साथ में चलने वाले थे आगरा वगैरह, तो अभी उनका भी थोड़ा सा कब तक जाएंगे डिसीजन 2-4 दिन बताएंगे। तो मिला जुला के मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 दिन मेरा कानपुर में ही जाने वाला है। बाकी आगे का भाई जो भी रहेगा दिखाता हूँ। और ये देखो खूबसूरत नज़ारे अगेन, और सामने सनसेट हो रहा है यार, दिखाता हूँ। तो यार भाई कुछ इंटरेस्टिंग दिखा भी, ऐसे ही वॉक ले रहा था गांव में और ये देखो रोड के बगल में ही आम के पेड़ हैं। और आम ना छोटे 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 आम हैं, क्या बोलते हैं इससे पता नहीं, बट छोटे छोटे आम हैं। शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, जूम करता हूँ। ये देखो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लाइक अ बेबी मैंगो। तो भाई यार ये देखो, ये केला का पेड़ और ये केला भाई बड़े शानदार दिख रहे हैं। मतलब यहाँ जो चीज़ें होती है ना यार, मैं लिटरली बताऊँ, गांव वगैरह में काफ़ी ऑर्गेनिक होता है भाई, शहर की तरह नहीं है। बाकी भाई बात करूँ यार शहर की, यार भाई बाकी बात करूँ शहर की, यार शहर में हाल आप लोगों को पता ही रहता है। खाना फ़िलहाल ऑर्गेनिक तो जल्दी कहीं मिलता नहीं है। और एयर अभी पॉल्यूटेड होती है पानी का, तो सबको पता है। पूरे शहर में हर कोई यार प्योरीफायर लगा के ही जीता है। बाकी गांव का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो पानी है काफ़ी मतलब नेचुरल पानी है। यहाँ पे हवा शुद्ध है, खाना जो है ऑर्गेनिक है। और जहाँ तक इसी का कारण है भाई कि लोग गांव में ज़्यादा सालों तक जीते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ के। सिटी के लोग जो होते हैं वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं अस्थमा हो जाता है, कहीं ना कुछ बीमारियाँ मैक्सिमम हो जाती हैं, डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है। गाँव के लोग काफ़ी मेहनती भी होते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ पे और जल्दी इनको बीमारियाँ भी होती नहीं है काफ़ी। गांव एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, खाली एक यहाँ पे ये रहता है कि इनके पास पैसे अर्न करने के इतने ऑप्शंस नहीं होते, यहीं पे मार खाते हैं। बाकी यार यहाँ पे लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है सीरियसली। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ आगरा, और मैं फ़िलहाल जैसे आपको पता है बुआ के यहाँ पे रुका था, वहाँ से झिंझक स्टेशन और झिंझक से तुंडला, फ़िलहाल जो हूँ ये तुंडला स्टेशन है, तुंडला से चेंज करके बस या कोई प्राइवेट व्हीकल वगैरह लेके निकल जाऊँगा मैं आगरा की तरफ। आज हो सके तो आगरा फोर्ट जाएंगे, या फिर फूफा जी साथ में तो उनके कोई पहचान के भाई, तो उनके घर पर शायद स्टे ले लें। बाकी आगे कैसा क्या रूट है दिखाते हैं आपको।